True champions are not always the ones that win, but those with the most guts. वाकई में असली खिलाड़ी वो नहीं जो खेल के मैदान में जीत हासिल करता है, बल्कि वो होता है जो अपनी जिंदगी और खुद पर पूरा विश्वास रखते हुए जीत हासिल करता है, वही असली और जाबाज खिलाड़ी कहलाता है। इसी कथन का उदाहरण है 106 वर्षीय एथलीट रामबाई, जिन्होंने मात्र 2 वर्षों की अवधि में खेल के मैदान में अपनी जगह बनाई। हेलो एंड वेलकम टू द गेम चेंजर्स विद हिमांशी। अपने सेगमेंट में हम उन सभी एथलीट की बेमिसाल कहानियां लेकर आते हैं जो कड़े से कड़े संघर्ष से गुजरते हुए अपनी जीत सुनिश्चित करते हैं। इस बार हम बात करेंगे हरियाणा की 106 वर्षीय पहलवान पर दादी के बारे में। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, इनका नाम रामबाई है और 106 वर्ष की होने के बावजूद भी खेल के मैदान में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3-3 गोल्ड मेडल लाने का जज्बा रखती हैं। इन्होंने हाल ही में उत्तराखंड के देहरादून में 18वीं नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप में हिस्सा लिया और 3 गोल्ड मेडल अपने नाम किए, एक 100 और दूसरा 200 मीटर की दौड़ में, वहीं तीसरा गोल्ड मेडल शॉटपुट में दमदार प्रदर्शन दिखाते हुए हासिल किया। आपको बता दें, इससे पहले उन्होंने 2021 में वडोदरा में हुई नेशनल चैंपियनशिप में भाग लेकर 4 गोल्ड मेडल अपने नाम करके इतिहास बनाया था, जहां उन्होंने 100 मीटर की दौड़ 45 सेकंड में पूरी कर गोल्ड मेडल जीतकर भारतीय एथलेटिक्स की रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज करा लिया। साथ ही 101 वर्षीय मानकौर के बनाए 74 सेकंड की रेस के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए, लगभग 30 सेकंड में तोड़ते हुए अपना नाम बनाया। आज वो इंडिया की ओल्डेस्ट एथलीट कही जाती हैं और अपने गांव में वो सबसे बुजुर्ग महिला हैं जिन्हें सभी उड़नपरी दादी के नाम से बुलाते हैं। रामबाई ने खेल के मैदान में 104 वर्ष की उम्र में कदम रखा था, यानी केवल 2 वर्ष पहले। इन 2 वर्षों में उन्होंने खुद को इस मुकाम पर खड़ा किया है कि वो अपने खेल का अभ्यास सुबह 4 बजे उठकर खेतों के कच्चे रास्तों पर किया करती हैं, लगातार दौड़ और पैदल चलने का अभ्यास करती हैं। आमतौर पर 80 की उम्र तक पहुंचते ही अधिकतर लोग बिस्तर पकड़ लेते हैं और उनका चलना फिरना भी मुश्किल हो जाता है, लेकिन रामबाई इस उम्र में भी रोजाना 5 से 6 किलोमीटर तक दौड़ लगाती हैं। यहाँ जो सबसे ज़्यादा खास और ध्यान देने वाली बात है वो ये कि रामबाई का पूरा परिवार ही खेलों में नाम कमा रहा है। उनकी 62 वर्षीय बेटी संतरा देवी रिले रेस में गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं। उनके 70 वर्षीय पुत्र मुख्तियार सिंह 200 मीटर दौड़ में ब्रॉन्ज मेडल जीत चुके हैं। यहां तक कि उनकी बहू भी रिले रेस में गोल्ड और 200 मीटर की दौड़ में ब्रॉन्ज मेडल जीत चुकी हैं। रामबाई आज उस मुकाम पर है, इसका श्रेय वो अपनी 41 वर्षीय पोती शर्मिला सांगवान को देती हैं। ये उनकी पोती ही थी जिन्होंने रामबाई को मानकौर की कहानी बताई और कहा कि अगर 100 साल से अधिक उम्र की महिला खेल के मैदान में इतिहास रच सकती है तो आप क्यों नहीं। बस फिर क्या था, रामबाई ने कड़ी मेहनत के दम पर नेशनल लेवल पर जगह बनाई और ये सुनिश्चित भी कर दिखाया कि अगर कुछ कर दिखाने का जज्बा है तो उम्र चाहे जितनी भी हो, आपके हुनर और कड़ी मेहनत का फल आपको जरूर मिलता है। धन्यवाद।